गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 5 ऑफ आवर राजस्थान ट्रिप। सो अभी हम जस्ट ब्रेकफास्ट करके चुके हैं एंड अभी हम चेकआउट करेंगे, फिर हम जाएंगे ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने, मेजर रीजन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर ब्लू। सो एंड उसके बाद फिर जाएंगे हम उमेद भवन, विच इज़ एशियाज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हेरिटेज प्लेस। सो गाइस, सी यू सून। This temple was built by Rani Tawerji of Jodhpur in 1740s, and nowadays this temple is known as the hidden gem of Jodhpur. Jodhpur is the second largest city in the state of Rajasthan, and it was founded by Rao Jodha in the 15th century. So guys, हम आ चुके हैं ब्लू सिटी में। ये है मेन ब्लू सिटी जोधपुर का। So इस जगह का नाम है ब्रह्मपुरी ब्लू सिटी। सो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स है वो ब्लू है। सो अभी हम एक बिल्डिंग के छत पे आए हैं, तो यहाँ से काफ़ी अमेजिंग व्यू है। पीछे मेहरणगढ़ फोर्ट भी दिख रहा है एंड उस साइड देख सकते हैं कितनी सारी बिल्डिंग्स ब्लू है। Traditionally, blue signified the home of a Brahmin, but non-Brahmins have got on the act too. तो गाइज़, मैं उमेद भवन पहुंच चुका हूं, जो कि जोधपुर सिटी से 3-4 किलोमीटर दूर है। एंड अभी अंदर जाएंगे। यहाँ पे एंट्रेंस के सामने बहुत अच्छा व्यू है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। Umaid Bhawan Palace is the last royal palace built in India before independence, and it is known as the one of the largest private residences in the whole world. And this palace is divided into three parts: a part palace, a part hotel, and a part museum. So, in the part palace, the royal family is still living there, and the hotel part where you can go and experience the luxury lifestyle. And do not get strangled by the luxuriness of this palace, because it was built for a noble cause rather than luxury. I can always be right by you. You can always be with me too. I don't wanna let you go. तो हम आ चुके हैं मौर्य रेस्टोरेंट। हम यहाँ पे खाने वाले हैं मौर्य स्पेशल मेन्यू, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बेसिकली 33 आइटम्स, और ये नॉन स्टॉप डाले जा रहे हैं खाना। तो ये रायता है, ये गुड़ है, ये मिठाई है, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये राजमा है, ये गड्ढे की सब्ज़ी है, एंड ये आलू की सब्ज़ी है, ये दाल है, ये भी दाल नहीं, ये कड़ी है। ये बाटी है, बाटी, चूरमा, पनीर टिक्का, मैक्सिकन टिक्की, ये कोफ्ता है, और रायता, ये नींबू पानी भी है हमारे पास, चटनीज भी हैं, चटनी, और ये पापड़ वाला सेक्शन। ये नान वगैरह उठा के दिखाना क्या है, ये पूरी, रोटी, नान, बटर नान, उसके नीचे ढोकला, भिंडी और मिर्च की चटनी, और पापड़। तो गाइस हम ये सारी थाली खाने वाले हैं, लेट्स गो। एंड ये जो थाली है अनलिमिटेड है, तो हम खूब भर के खाएंगे, है ना, ठूस के खाना जरूरी है।